गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टुडेज टॉपिक इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST। आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC को डिटेल में समझेंगे कि GST में क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST? GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? डिटेल में तो हम बहुत सारे प्रोविजंस इसके भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। देखिए होता क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो GST में रजिस्टर है वो गुड्स परचेज करता है दो फॉर्म्स में। अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा तो वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में गुड्स परचेज करेगा, एंड अगर वो ट्रेडर होगा तो वो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में गुड्स परचेज करेगा। अब करेगा क्या, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एंड मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल प्रोडक्ट मतलब फिनिश्ड गुड्स बना के उसको होलसेलर को सेल करेगा। किसको सेल करेगा? वो होलसेलर को, या मार्केट में वो सेल करेगा। अब क्या होगा, जब वो मार्केट में उसको सेल करेगा तो उस पर टैक्स भी कलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब सेल कर रहा है GST एप्लीकेबल है तो वो टैक्स को कलेक्ट करेगा। ऐसे ही जो ट्रेडर होगा वो भी गुड्स जब परचेज करके लाएगा, पहले तो जब परचेज करके लाएगा तो उस पर GST पे करके आया होगा। जैसे अभी मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करके लाया था तो उस पर GST उसने पे किया होगा। अब ये जो ट्रेडर है ये भी जैसे ही गुड्स जब मार्केट से लेके आएगा बेचने के लिए, फॉर एग्जांपल ये रिटेलर है तो होलसेलर से गुड्स लेकर आएगा, एंड अब इसको कस्टमर को सेल करेगा, एंड जब ये कस्टमर को सेल करेगा तो उनसे टैक्स लेगा। किस पे? जो भी उसने सेल की होगी उस पे। अब होगा क्या, जब ये टैक्स लेगा तो इसको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना होगा। अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर भी जमा करेगा और ट्रेडर है तो वो भी जमा करेगा। अगर गुड्स की सेल करो या सर्विसेज की सेल करो GST तो एप्लीकेबल है ही। अब इसने जो टैक्स, अगर मैं ट्रेडर की बात करूं तो ट्रेडर ने जो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया होगा वो उस टोटल टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करेगा, बल्कि वो जो डिपॉजिट करेगा वो उसमें से पहले लेस करेगा जो उस गुड्स को परचेज करने में, यानी कि उस पीरियड में जो गुड्स परचेज किया होगा उसमें उसने जितना टैक्स पे किया होगा परचेज पे उसको कर देगा लेस, एंड अब जो नेट अमाउंट बचेगा इसको वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है गुड्स पहले इनपुट होता है बाद में आउटपुट होता है। इनपुट मतलब आना, आउटपुट मतलब जाना। इनपुट मतलब परचेज, आउटपुट मतलब सेल। तो गुड्स पहले इनपुट होगा एंड बाद में आउटपुट होगा। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तरफ रख लीजिए अपनी, मतलब जब परचेज करके लाए, एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो आपने कस्टमर से परचेज किया है मतलब कस्टमर को सेल किया है उसको एक तरफ रख लीजिए, एंड अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस कर दीजिए। अब जो रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ पेबल बन रहा है तो आपको बस उतना ही अमाउंट जमा करना है, यानी कि इट्स मीन्स आपने जो अमाउंट ये लेस किया, ये अमाउंट जो लेस किया ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे हम क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्सेस अंदर GST में हम टैक्सेस की बात करें तो दो टाइप से टैक्स, क्योंकि ITC के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की ही बात करेंगे। इनपुट टैक्स का मतलब होता है हमने गुड्स को परचेज करने पे कितना टैक्स पे किया, हमने मीन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है। एंड आउटपुट टैक्स का मतलब है कि अब गुड्स को वो बेच रहा है तो उस पर कितना टैक्स बन रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसमें, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो गुड्स खरीदा है बस वही सेल करेंगे तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बल्कि ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जो होता है ये पीरियड बेसिस पे होता है। पीरियड मतलब मंथली GST की जो रिटर्न होती हैं, अगर हम कंपोजिशन स्कीम की बात ना करें, हम रेगुलर स्कीम की बात करें तो मंथली GST की रिटर्न जाती है, GSTR 3B कहते हैं इसे, एंड इस 3B में हमें सिर्फ टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करके अगर कुछ पेबल अमाउंट बन रहा होता है तो उसका पेमेंट करना होता है। अब इसमें हम इनपुट और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं लाया हूँ
उसी प्रोडक्ट को जब मैं सेल करूंगा तो उस प्रोडक्ट के खरीदने की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि एक शॉपकीपर है एंड वो क्या है, मंथ के एंड पे एकदम पता लगा, अगर हम बात करें अप्रैल की, तो 30 अप्रैल को उसका एक ऑर्डर आ गया। ऑर्डर मतलब जो उसने ऑर्डर दिया था वो माल आ गया, मतलब उसने गुड्स परचेज किया है, कपड़े आ गए एंड अभी वो पैक हैं। आपको पता है कोरियर से जब आता है कुछ भी तो वो क्या होता है, बिल्टी एकदम पैक होता है। अब वो नहीं खोल पा रहा है अभी, उसने 30 अप्रैल हो गया उसका खत्म, इसका मतलब अप्रैल का मंथ हो गया खत्म। अब उसने उस गुड्स को तो बेचा ही नहीं, जबकि उस गुड्स को खरीदने पर उसने 1,00,000 रुपए का गुड्स खरीदा था एंड 5% टैक्स होने की वजह से गारमेंट्स पे उसको 5,000 रुपए टैक्स का पेमेंट किया। लेकिन ये बैग अभी एकदम पैक है, अभी खुला नहीं है, इसमें से एक भी पीस सेल नहीं हुआ है, लेकिन और प्रोडक्ट तो सेल हुए होंगे उसके, पहले से जो रखे होंगे उसको उसने सेल कर दिए हैं वो। अब पता लगा उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अदर प्रोडक्ट को सेल करने पे बन रही है 6,000। अब आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अदर प्रोडक्ट्स की है तो हमें पूरा 6,000 गवर्नमेंट को पे करना होगा, ऐसा नहीं होता है। पीरियड देखा जाता है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। पूरे मंथ का इनपुट टैक्स देख लीजिए, मतलब परचेस पे जो पे किया है आपने, पूरे मंथ का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देख लीजिए, मतलब सेल पे जो आपने कलेक्ट किया है, और दोनों को नेट कर लीजिए, उतना अमाउंट या तो गवर्नमेंट को पे करना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने खरीदने पे ज्यादा टैक्स दिया होता है, मतलब इनपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स हमारा कम बन रहा होता है, तो हमें गवर्नमेंट को कुछ भी कैश में पे नहीं करना है। तो बस ये पर्पस था आपको बताना कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जो होते हैं, इनपुट टैक्स मीन्स परचेज पे जो टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स मतलब सेल पे जो टैक्स होता है, एंड ये पीरियड बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं रिटर्न में, ना कि प्रोडक्ट बेसिस। चलिए तो अब हम आगे और समझेंगे ITC के बारे में। अंडरस्टैंडिंग इनपुट क्रेडिट, हम एक एग्जांपल से इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझेंगे। देखिए तीन टाइप के मटेरियल इनपुट किए हैं, इनपुट मतलब परचेज किए हैं, एक डीलर है उसने तीन टाइप के मटेरियल परचेज किए हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ ए ₹100, ए मटेरियल को परचेज करने पे उसने ₹100 का टैक्स दिया, टैक्स का अमाउंट है ये ₹100, ना कि उसका कॉस्टिंग है, ₹100 का टैक्स ए को परचेज करने पे दिया। बी को परचेज करने पे 120 का टैक्स दिया एंड सी को परचेज करने पे 80 का टैक्स दिया। उसने टोटल जो टैक्स पे किया ए बी सी वो किया उसने 100 + 120 + 80 = 2, ये बना आपका जाके कितना 300 का उसने टोटल टैक्स पे किया है मटेरियल को परचेस करने पे। इट्स मींस उसकी जो टोटल ITC है वो कितनी है 300 रुपी, ₹300 की उसकी टोटल ITC है। अब उसने ए बी सी मटेरियल मिला के सेल की, हो सकता है उसने अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो कोई प्रोडक्ट बनाया होगा, या हो सकता है उसने फिनिश्ड गुड्स ही, एबीसी ये फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं और उसने सेल किया होगा। वैसे ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ये नीचे हमने लिखा है, इसमें हो ये ट्रेडर भी सकता है, लेकिन इस एग्जांपल में ये कौन है, मैन्युफैक्चरर। इसने एबीसी रॉ मटेरियल को मिला के फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उसको सेल किया एंड जब इसको सेल किया तो इसने 450 रुपये का टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से, या जिसको भी इसने ये गुड्स सेल किया होगा उससे। अब देखिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 450 की, जबकि इनपुट टैक्स क्रेडिट है 300 रुपये की, तो अब इसकी जो नेट लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 150। इसको सिर्फ 150 रुपये ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने, तो नीचे लिखा भी है टैक्स टू बी पेड बाई द मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू ₹450, ₹450 टोटल आउटपुट टैक्स लेस टैक्स पेड ऑन इनपुट्स 100 + 120 + 80 = 150। हम इसको क्या करेंगे, सॉरी इज इक्वल टू 300। अब हम इसको 450 में से 300 को लेस कर देंगे तो 150 की जो टैक्स लायबिलिटी है बस ये गवर्नमेंट को जमा करनी है। इट्स मींस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कितनी है, टोटल 300 रुपी। तो इस तरीके से हमने समझे एग्जांपल के थ्रू कि ITC कैसे वर्क करती है, कैसे सिस्टम क्या है इसका। चलिए आगे और अभी हम डिटेल में समझेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम लोग करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, मतलब सेलर एंड बायर दोनों ही GST में रजिस्टर्ड होंगे
तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी पार्टी रजिस्टर नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जीएसटी सिस्टम का पार्ट नहीं है एंड ये जीएसटी सिस्टम में आईटीसी डिस्प्ले ही नहीं होगी, इसलिए दोनों पार्टीज का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं क्रेडिट लेने के लिए? अगर इंटर स्टेट सेल होगी तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब आईजीएसटी जिसे हम कहते हैं। अगर इंट्रा स्टेट सेल होगी तो इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड अगर यूनियन टेरिटरी में सेल हो रही होगी तो यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चार टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए एक सिस्टम होता है, ऐसे नहीं आप किसी भी, मतलब सीजीएसटी की लायबिलिटी निकल रही है और आपकी इनपुट टैक्स में बैलेंस निकल रहा है एसजीएसटी में, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है किसकी? सीजीएसटी की। एंड इनपुट टैक्स में बैलेंस क्रेडिट में आपके आईटीसी एसजीएसटी की निकल रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप सीजीएसटी की लायबिलिटी को एसजीएसटी के क्रेडिट से एडजस्ट कर पाओ। इसका एक सिस्टम होता है पूरा, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैसे होता है, ये हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटेड बिजनेस मटेरियल। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल परचेज कर रहे हैं जो बिजनेस से एसोसिएटेड है, चाहे आपने उसे सेल करने के लिए नहीं लिया हो, मतलब ट्रेडिंग गुड्स नहीं करी नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस से एसोसिएटेड गुड्स कोई परचेज किया तो आप उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग के लिए या किसी और पर्पज से, या दुकान में कैमरे अपने शोरूम में या शॉप में कैमरा लगवाया, कंप्यूटर खरीदा, डीवीआर सिस्टम खरीदा एंड आपने इस पे टैक्स पे किया है, तो अब आप इसको बेचोगे तो है नहीं, इसको तो इंस्टॉल कराओगे अपने शोरूम में या शॉप में, लेकिन इस गुड्स पे अगर आपने जो टैक्स पे किया होगा उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसका यूज बिजनेस के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ एक्ट। आपको एक्ट की सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी होंगी। कंप्लायंसेस मतलब आप जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो उसमें शो करेंगे कि हमें ये इतनी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, और आपका जो सेलर है उसने अपने जीएसटीआर 1 जब फाइल किया हो तो दिखाया हो कि हमने आपको ये गुड सेल किया, इस पर इतना टैक्स हमने कलेक्ट किया है, तो जो भी कंप्लायंसेस हैं वो सारी कंप्लायंसेस फुलफिल हुई। नेक्स्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होना जरूरी है, जैसे इनवॉइस, मतलब इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, जिसने आपको सेल की है वो इनवॉइस होना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई होता है गुड्स को सप्लाई करने का, वो होना चाहिए। बिल्टी अगर कोई है तो बिल्टी होना चाहिए। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होना चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ आईटीसी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मंथ में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम बनती है एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा होता है। जो आपका क्रेडिट लेजर होता है जीएसटी पोर्टल पे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहते हैं, उसमें बैलेंस ज़्यादा है एंड आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम है, इसका मतलब आपके पास एक्सेस आईटीसी है, ज़्यादा आईटीसी है। अब आप पे दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? तो आप या तो इस एक्सेस आईटीसी को नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। जब एक्सेस होगी तभी आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक पर्टिकुलर मंथ है, फॉर एग्जांपल जून 2020 एंड उसमें आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में 2000 रुपी की आईटीसी टोटल आ रही है एंड जून की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो बनी 1200 रुपी, इट्स मींस 800 रुपी एक्सेस हैं आपके क्रेडिट लेजर में। अब आप या तो इसका रिफंड क्लेम कर लीजिए या फिर इस 800 रुपी को जुलाई 2020 के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जुलाई में बनेगी उससे ये एडजस्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज। अगर आप रिवर्स चार्ज के अंडर कोई टैक्स पे करते हैं, रिवर्स चार्ज को हम पहले ही समझ चुके हैं कि रिवर्स चार्ज क्या है, तो रिवर्स चार्ज मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप टैक्स का पेमेंट करते हैं तो इसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं, आपने जो पेमेंट किया होगा, बस एलिजिबल आईटीसी या एलिजिबल गुड्स पे टैक्स पे किया गया हो। रिवर्सल ऑफ आईटीसी। रिवर्सल मतलब होता है वापस होना,
मतलब आपने कोई आईटीसी क्लेम कर चुके हैं एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई कोई, तो अब इस आईटीसी को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। होता क्या है, जो इनवॉइस होता है, जो रिसिपिएंट होता है जिसने गुड्स परचेज किया होता है, उसको उस परचेज की आईटीसी मिलती है, उसने आईटीसी क्लेम कर ली। लेकिन ये आईटीसी तभी वैलिड होगी जब वो जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट कर देगा इस गुड्स को परचेज करने का। तो अगर उसने 180 डेज में गुड्स को परचेज करने का पेमेंट कर दिया, तब तो ये आईटीसी वैलिड है और उसकी एलिजिबल आईटीसी थी। लेकिन अगर उसने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है, तो ये आईटीसी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। ब्लॉक्ड मतलब कुछ ऐसे गुड्स हैं जो ब्लॉक कर रखे हैं, उनकी क्रेडिट आप नहीं ले सकते। जैसे आपने पर्सनल यूज के लिए कार परचेज की है, कार पे आपने टैक्स का पेमेंट किया है, तो आप इसकी आईटीसी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब क्या होता है कि आईटीसी हम कब तक ले सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आप मंथली बेसिस पे आईटीसी लेते रहिए, मतलब जब आप 3B फाइल करें पर्टिकुलर मंथ की, तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। लेकिन हो सकता है आप भूल गए क्रेडिट करना या बाई मिस्टेक रह गया, तो लास्ट डेट जो होती है वो होती है जिस फाइनेंशियल ईयर का बिल है, उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट ईयर के सितंबर की रिटर्न तक आप क्लेम कर सकते हैं, या जिस फाइनेंशियल ईयर का वो बिल था उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, इन दोनों में जो पहले होगा वहां तक आप छूटी हुई आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2019 की आईटीसी थी, आप क्लेम नहीं कर पाए, आप भूल गए, तो अब आप सितंबर 2019 की जब रिटर्न जाएगी, सितंबर 2019 की जब रिटर्न जाएगी, सितंबर 19 की रिटर्न जाएगी 20 अक्टूबर को, तो आप 20 अक्टूबर तक इसकी क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो एनुअल रिटर्न की डेट है वो क्या है, 30 अक्टूबर, तो यहाँ पे 20 अक्टूबर 30 अक्टूबर से पहले, इसलिए ड्यू डेट रहेगी, मतलब लास्ट डेट रहेगी 20 अक्टूबर। नेक्स्ट है सप्लाई इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट में सप्लाई हो रही है तो आप उसकी आईटीसी तभी ले पाएंगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवर हो जाएगी, अदरवाइज आप उसकी आईटीसी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इनवॉइस। वही इनवॉइस का पेमेंट 180 डेज में हो जाए तभी आप आईटीसी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने आईटीसी ले ली होगी तो वो रिवर्स हो जाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आईटीसी का। एडजस्टमेंट इसमें अभी हमने डिस्कस किया था करेक्टरिस्टिक में कि एडजस्टमेंट कैसे होता है, ऑर्डर एडजस्टमेंट का क्या है, क्या कोई भी मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, या सीजीएसटी एसजीएसटी से, मतलब चार तरीके के टैक्स हमने पढ़े, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, क्या किसी की भी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी की भी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो सकती है या नहीं। तो अब हम समझेंगे कि कैसे एडजस्ट हो सकती है। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने चारों की फर्स्ट रो में ली हुई है, ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट के सामने लिखी है। सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एसजीएसटी यूटीजीएसटी सेम होते हैं लगभग, वो यूनियन टेरिटरी के केस में यूटीजीएसटी है, तो इसलिए सीजीएसटी ओ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी सेम है। तो फर्स्ट में मैंने सीजीएसटी रखा, नेक्स्ट एसजीएसटी यूटीजीएसटी एंड नेक्स्ट आईजीएसटी, मतलब ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट के सामने मैंने तीनों की आईटीसी रख ली। अब देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट जब सीजीएसटी का होगा, मैं अभी सिर्फ सीजीएसटी की बात करूंगा, तो सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट को सबसे पहले सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता है सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा हो एंड सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है वो कम हो, तो अभी कुछ जो बैलेंस बचा हुआ है सीजीएसटी की आईटीसी का, अब इस बैलेंस को आईजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट किया जा सकता है। अब हो सकता है आईजीएसटी को एडजस्ट करने के बाद भी सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ बैलेंस बच रहा हो, तो देखिए अब हम इसको किसी और से एडजस्ट नहीं कर सकते, रेस्ट एडजस्टमेंट मतलब नो एडजस्टमेंट।
लास्ट में मैंने लिखा है नो एडजस्टमेंट, किससे कौन सी चीज एडजस्ट नहीं हो सकती। देखिए सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकती। अभी मैं सिर्फ सीजीएसटी के नीचे वाली डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ सीजीएसटी की बात की अभी मैंने, मतलब शॉर्ट में कहें तो सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से एडजस्ट कर दीजिए, कुछ बचा है तो आईजीएसटी से एडजस्ट कर दीजिए, उसके अलावा कुछ बचा है तो वो किसी से एडजस्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी यूटीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं, एसजीएसटी यूटीजीएसटी की अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हो तो इसका ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो एसजीएसटी यूटीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट को एसजीएसटी यूटीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से ही एडजस्ट करिए। अब भी अगर कुछ बैलेंस बचता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में तो अब इसको आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर दीजिए। अब भी अगर बैलेंस बचा तो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए या रिफंड क्लेम कर लीजिए। लेकिन एसजीएसटी यूटीजीएसटी की क्रेडिट को सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे सीजीएसटी को एसजीएसटी यूटीजीएसटी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता, सेम एसजीएसटी यूटीजीएसटी को भी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अगर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो फिर उसका ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट क्या रहेगा। सबसे पहले आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करेगा। अब अगर कुछ बचता है तो ये सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करेगा। इसके बाद भी कुछ बचता है तो ये एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को भी एडजस्ट कर लेगा। मतलब आईजीएसटी ऐसा टैक्स है जो आईजीएसटी की लायबिलिटी भी एडजस्ट कर सकता है, सीजीएसटी की भी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी की भी। बस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है इसका, सबसे बड़ा जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है आईजीएसटी, उससे छोटा होता है सेंट्रल का। सबसे बड़ा आईजीएसटी, उससे छोटा सेंट्रल की बात करता है और उससे छोटा स्टेट की बात करता है। तो इस तरीके से यही ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। बस ये ध्यान रखना अल्टीमेटली कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। सीजीएसटी और एसजीएसटी, जब जब मैं एसजीएसटी बोलूंगा तो वो यूटीजीएसटी इंक्लूड कर रहा होगा, तो अभी मैं सिर्फ एसजीएसटी वर्ड यूज करूंगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी को एडजस्ट करेगा, बाद में आईजीएसटी को एडजस्ट करेगा। एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी को एडजस्ट करेगा, फिर बाद में आईजीएसटी को एडजस्ट करेगा। लेकिन आईजीएसटी ऐसा है जो सारे टैक्स को, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सभी को एडजस्ट कर सकता है। बस उसने ऑर्डर प्रेफरेंस बनाया हुआ है, सबसे पहले आईजीएसटी आईजीएसटी को एडजस्ट करेगा, फिर बचा तो सीजीएसटी को, फिर बचा तो एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी को एडजस्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना बहुत जरूरी थी। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कंडीशंस लिखिए कि क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। देखिए अभी हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सेम मिलती जुलती ही है ये जो कंडीशंस हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी, मतलब बायर एंड सेलर दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो चार फॉर्म्स में होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये भी हम अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड इन बिजनेस और फॉर बिजनेस और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, मतलब जो गुड्स खरीदा है या जो भी सर्विस रिसीव की हैं वो बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए, या तो फर्दर सेल के लिए होना चाहिए या बिजनेस से एसोसिएटेड होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था कि कैमरे लगवाए हैं हमने शॉप या शोरूम में, तो वो बिजनेस के यूज के लिए तो लगवाए हैं, तो उसकी ITC आप ले सकते हैं, एंड आप जो गुड्स बेच रहे हैं उसकी ITC तो आपको मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी विद एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, ईवे बिल एप्लीकेबल है तो ईवे बिल होना चाहिए, पेमेंट उसने 180 डेज में कर दिया हो, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट के पास होना चाहिए। एप्लीकेंट का मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है। एक्चुअल रिसीविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा ना हो कि सिर्फ हमने बिल में ITC लेने के लिए हमने बिल ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रिसीविंग होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, आपने अगर सेल करने के लिए लिया हो तो सेल किया हो आपने फर्दर, या फिर अगर आपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया हो तो बिजनेस में यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, सप्लायर मस्ट पेड टैक्स, जो सप्लायर है
वो टैक्स पे कर चुका हो, मतलब उसने आपको बिल तो दे दिया काट के कि ले जाइए आप ये गुड्स ले जाइए, बिल ले जाइए, लेकिन फिर उसने उस बिल को जीएसटी पोर्टल पे अपनी जीएसटीआर 1 में अपडेट ही नहीं किया, तो आपको भी ITC नहीं मिलेगी। जो सप्लायर है उसने अपनी जीएसटी रिटर्न में, मतलब जीएसटीआर 1 में आपका इनवाइज अपडेट कर दिया होगा, तभी आपको ITC मिलेगी, अदरवाइज ITC नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है रिटर्न सबमिटेड अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 कहता है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मतलब जो रिटर्न है वो सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग फाइल कर दी गई होगी, तभी आपको ITC मिलेगी। मतलब जो आपका सेलर है उसने अपनी रिटर्न अपलोड कर दी हो, एंड रिटर्न अपलोड करके नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, सप्लायर मस्ट हैव अपलोडेड इनवॉइस इन GSTN, और उसने आपका जो इनवॉइस है उसको भी आपके GST नंबर से अपने GSTN सिस्टम पे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क पे, मतलब पोर्टल पे, उसने आपके इनवॉइस को आपके GST नंबर के साथ अपडेट कर दिया होगा, तभी आपको ITC मिलेगी। नेक्स्ट है इफ द सप्लाई इन इंस्टॉलमेंट देन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज डिलीवर्ड। अगर इंस्टॉलमेंट में सप्लाई हो रही है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवर हो गई होगी, उसके बाद आपको ITC मिलेगी। नेक्स्ट है ITC इज अवेलेबल ऑन रिवर्स चार्ज अंडर GST। रिवर्स चार्ज पर अगर आपने, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर टैक्स पे किया है, तब भी आपको उस पेमेंट की ITC मिलेगी, वो एलिजिबल है क्लेम करने के लिए। अब हम बात करेंगे इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कौन सी क्रेडिट है जो आप क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट फर्स्ट है पर्सन हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST आर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बायर एंड सेलर दोनों का GST में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर ITC क्लेम नहीं कर सकते। दोनों में से किसी एक का भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ITC क्लेम नहीं हो सकती। पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट अवेल दी बेनिफिट ऑफ ITC। दो टाइप से रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है रेगुलर स्कीम और एक होता है कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन स्कीम क्या है। तो कंपोजिशन स्कीम में अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है डीलर ने तो वो ITC का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। आप परचेज करने पे, इनपुट पे जो भी टैक्स पे करके आए हो, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में है तो। नेक्स्ट, द पर्सन हु इज गिल्टी इन कंप्लायंस विद एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ITC। अगर उसने GST एक्ट के किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो वो ITC क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द कंडीशन मेंशन्ड प्रीवियसली फॉर ITC आर नॉट बींग फॉलोड। अभी हमने पीछे जो कंडीशन डिस्कस की हैं, अगर उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तब भी ITC क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम ITC लेना भूल गए किसी पर्टिकुलर मंथ की, तो टाइम पीरियड हमने देखा था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न तक आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ITC नहीं क्लेम कर पाए उसकी एनुअल रिटर्न की डेट, उन दोनों में से जो पहले होगा आप तब तक क्लेम कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट अगर एक्सपायर होगी तब भी आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। प्रॉफिट ऑफ ITC इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इन एलिजिबल क्रेडिट आइटम्स। कुछ ऐसे आइटम्स हैं ब्लॉक्ड आइटम जिसे कहते हैं, जिस पे ITC अलाउड नहीं है, जैसे पर्सनल यूज के लिए कार खरीदना। तो क्या होगा, कार अगर आपने परचेज की है तो आपको उसकी ITC नहीं मिलेगी। पर्सनल यूज की कार अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको उसकी ITC नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ITC बेनिफिट आर नॉट पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ नॉन बिजनेस और नॉन टैक्सेबल गुड्स। अगर नॉन बिजनेस और नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं तब भी ITC नहीं मिलेगी। एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं तो उसकी ITC नहीं मिलेगी, और आपके नॉन बिजनेस आइटम हैं तब भी ITC नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सप्लाई इज टैक्स फ्री और इन कैटेगरी ऑफ 0% GST। अगर कोई ऐसी सप्लाई है जो 0% GST में आ रही है तो उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है कि जो ITC है, हमें यह देखना है कि हमने जो इनपुट पे ITC है, मतलब इनपुट पे जो हम टैक्स पे करके आए हैं, क्या हम उसकी फुल ITC क्लेम कर सकते हैं, या पार्टली ITC क्लेम कर सकते हैं, या बिल्कुल भी ITC क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अपोर्शन करना, अलग अलग करना किस चीज़ को,
कौन सी ITC एलिजिबल है हम क्लेम करें, कौन कितनी ITC एलिजिबल नहीं है जिसको हम क्लेम ना करें, इसे कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तीन टाइप से अपोर्शनमेंट बताए गए हैं GST में ITC क्लेम करने के। फर्स्ट अपोर्शनमेंट कहता है कब एप्लीकेबल होगा ये फर्स्ट अपोर्शनमेंट, पार्टली बिजनेस एंड पार्टली नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज ऐसी ली हैं जो दोनों पर्पस से यूज हो रही है, पार्टली बिजनेस पर्पस से एंड पार्शियली नॉन बिजनेस पर्पस से, जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल पर्पस से, जिसे हम क्या कह सकते हैं पर्सनल पर्पस से, तो फर्स्ट अपोर्शनमेंट अप्लाई होगा। सेकेंड अपोर्शनमेंट कब अप्लाई होगा, आपने जो गुड्स परचेज किया है अब आप उसको जब सेल कर रहे हैं फर्दर, तो पार्शियली टैक्सेबल है एंड पार्शली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है। तो हमें ये देखना है कि जो गुड्स हमने लिया है उससे जो हम बेच रहे हैं बना के, वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, उस केस में क्या होगा। और थर्ड अपोर्शनमेंट तब एप्लीकेबल होगा जब बैंकिंग कंपनीज की हम बात करेंगे, मतलब बैंकिंग कंपनीज के केस में थर्ड अपोर्शनमेंट अप्लाई होता है। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम फर्स्ट अपोर्शनमेंट डिस्कस करेंगे, पार्शली बिजनेस एंड पार्शली नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जब हम उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करेंगे तो क्या होगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 है। देखिए, जब भी हम कोई ऐसी गुड्स परचेज करते हैं, ऐसी कोई सर्विस लेते हैं जो हम दोनों पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, तो जितना पार्ट हम बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं बस उतने पार्ट की ही हम ITC क्लेम कर सकते हैं, एंड जितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी हम ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, उसने दो फ्लोर की एक बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है, एंड बिल्डिंग नीचे वो उसकी शॉप है एंड ऊपर वो रेजिडेंशियल पर्पस से, मतलब खुद रहने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि कमर्शियल पर्पस से बिल्डिंग ली गई है इसलिए GST एप्लीकेबल है, वो GST भी पे करता है रेंट पर। अब क्या होगा, वो रेंट पर दोनों फ्लोर पे GST पे कर रहा है, लेकिन जब ITC क्लेम करेगा तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की ITC क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में कर रहा है, उसकी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो रेजिडेंशियल पार्ट है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए उसकी ITC क्लेम नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ITC क्लेम करेगा एंड हाफ ITC क्लेम नहीं करेगा। अगर दोनों फ्लोर का रेंट इक्वल होगा, मतलब एरिया इक्वल होगा, सेम थिंग, सब चीज़ सेम होगी दोनों फ्लोर पे। तो अब हमने इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। लिखा है यूज़ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस, अगर बिजनेस पर्पस के लिए एट्रीब्यूट हो रही है तब तो क्रेडिट मिल जाएगी, एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। लॉजिक भी है, जो बिजनेस के लिए यूज़ करिए उसकी ITC लीजिए, एंड जो पर्सनल पर्पस से यूज़ कर रहे हैं उसकी आप बिजनेस में ITC क्यों क्लेम करेंगे। तो इसलिए याद रखेंगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 कहता है बिजनेस पर्पस के पार्ट की ITC क्लेम कर सकते हैं एंड पर्सनल पर्पस के पार्ट की ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड अपोर्शनमेंट कब एप्लीकेबल होगा, जब पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होंगी तब ये एप्लीकेबल होगा सेकेंड अपोर्शनमेंट। सेक्शन हमारा 17 सबसेक्शन 2 CGST एक्ट 2017, यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्शियली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज एक कैटेगरी में रखी गई हैं, एंड जो दूसरी कैटेगरी है उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगता है, यूं हम कहें कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर मुक्त हैं, निल रेटेड जिन पे टैक्स का रेट निल एकदम है, तो ये दो कैटेगरी रखी गई हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा और उससे आप दो टाइप की सप्लाईज कर रहे हैं, एक तो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को आपने प्रोड्यूस करा है, मैन्युफैक्चर करा है जिस पे टैक्स एप्लीकेबल है, एंड आपने एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उसी से जिस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड है, तो देखिए जो टैक्सेबल सप्लाई होंगी, मतलब जो टैक्सेबल वाला आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया होगा, बस उतने पार्ट की क्रेडिट अवेलेबल होगी, मतलब जितना रॉ मटेरियल टैक्सेबल पार्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगा होगा उसकी तो क्रेडिट आपको मिलेगी, लेकिन नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड गुड्स को जो मैन्युफैक्चर किया है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो ये कहता है हमारा सेकेंड अपोर्शनमेंट।
थर्ड अपोर्शनमेंट बैंकिंग कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। देखिए जो बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जिसे हम एनबीएफसी कहते हैं, जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड लोन देते हैं, इस केस में इन लोगों के लिए आईटीसी से रिलेटेड प्रोविजन या तो वो सबसेक्शन 2 सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को फॉलो करें, जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, या फिर वो जो उनकी टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है पर्टिकुलर मंथ की, चाहे वो इनपुट सर्विसेज पे हो, चाहे इनपुट गुड्स पे हो, चाहे कैपिटल गुड्स पे हो, बस उसका 50% क्लेम कर लें और बाकी का 50% लैप्स हो जाएगा। मतलब सिर्फ 50% ही आईटीसी वो क्लेम कर सकते हैं, बाकी 50% क्या हो जाएगी, लैप्स। अदरवाइज वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को फॉलो करें, मतलब टैक्सेबल पार्ट के लिए आईटीसी क्लेम करें और नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट पार्ट के लिए आईटीसी क्लेम ना करें। तो ये बैंकिंग कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होता है।